राजधानी दिल्ली की सियासत में बवाल मचा हुआ है। पहले एमसीडी का चुनाव था, उस पर हंगामा हुआ, फिर आपके नेताओं की गिरफ्तारी हुई और अब विधानसभा चल रहा है, तो यहाँ भी खूब बवाल हो रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता भाजपा पर ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ आपके कद्दावर नेता राघव चड्ढा ने बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस चलाकर सरकार को गिराने की साजिश करने का आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ दिल्ली भाजपा नेताओं का कहना है कि जब आपको प्रचंड बहुमत का गुमान है तो फिर वो डरी क्यों है, आखिर उसे किस बात का डर सता रहा है। दरअसल आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि दिल्ली सरकार के पास 62 और भाजपा के पास केवल 8 विधायक हैं। इसके बावजूद विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाकर अरविंद केजरीवाल की सरकार गिराने की साजिश रची जा रही है। उनका दावा है कि भाजपा हमारे विधायकों को डरा धमका रही है। उनकी ओर से आप विधायकों को दो विकल्प दिए जा रहे हैं, पहला ये कि आप भाजपा ज्वाइन कर लो और दूसरा नहीं, अगर ज्वाइन करोगे तो मनीष सिसोदिया की तरह सीबीआई और ईडी से जेल में डलवा दिए, ये आरोप है। मैं ये आपको बताना चाहता हूं इस मंच से कि पिछले 7 दिन में मनीष सिसोदिया जी से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अफसरों ने मात्र 15 घंटे पूछताछ करी है, यानी कि रोजाना 2 घंटे की औसत पूछताछ सवाल जवाब मनीष सिसोदिया जी से होते हैं। दोपहर बाद शुरू करते हैं, चाय पीते पीते 4-7 सवाल करते हैं और दिन समाप्त कर देते हैं। यह दिखाता है कि इनके पास ना सबूत है ना केस है, मकसद बस एक है कि मनीष सिसोदिया को कुछ भी कर जेल में रखो, मनीष सिसोदिया बाहर ना आ पाए, आम आदमी पार्टी के नेताओं को फर्जी मुकदमे दर्ज कर जेल में डालो और उन्हें बाहर ना निकलने दो। इसके जवाब में दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता हरीश खुराना का कहना है कि आप सरकार के घोटालों और भ्रष्टाचार के खिलाफ सदन में बीजेपी को अविश्वास प्रस्ताव लाने का हक है। उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा है कि जब आप बहुमत में है तो फिर डर क्यों लग रहा है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक रामवीर सिंह भिदुड़ी की अध्यक्षता में पार्टी विधायकों की एक बैठक हुई थी। इसमें पार्टी विधायकों ने फैसला किया कि अरविंद केजरीवाल सरकार के 2 मंत्री जेल चले गए हैं, सरकार पर कई घोटालों के आरोप हैं, अब दिल्ली सरकार के पास काम करने का नैतिक अधिकार नहीं बचा है, इसलिए हमारी पार्टी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। इतना ही नहीं, बजट सत्र के पहले भाजपा विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की जानकारी आधिकारिक रूप से स्पीकर रामनिवास गोयल को दे दी है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है कि यहाँ ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है, क्या ये सही है? क्या आप नेताओं की गिरफ्तारी कोई राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई है? इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी।